नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला मुद्दा, जो कि बहुत से बच्चे इसे लेके कन्फ्यूजन में है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, इसको क्लियर करेंगे। दूसरा, जो हमारा बैच कल से शुरू हो रहा है, एक स्पेशल टारगेट बैच, उसके बारे में। तीसरा, कुछ बच्चे जो हैं बैच परचेज नहीं कर पा रहे हैं, उसको बताऊंगा कि क्या उसमें एरर आ रहा है और किस तरह, क्या आपने उसमें गलती की है जिस वजह से आप उसे नहीं बाय कर पा रहे हैं या नहीं इनरोल हो पा रहे हैं। चौथा, उत्तराखंड वंदरोगा का जो सिलेबस है, सिलेबस में आज हम बायोलॉजी, बेसिक एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, ये ऑलरेडी सर्कल जो है डिस्कस कर चुके हैं, जाके आप चैनल में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है कि वो यही रहेगा या चेंज होगा, तो सबको हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन कि बच्चे इसे लेकर कन्फ्यूजन में है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, तो देखो मैं आपको जानकारी दे दूँ। आज 9 तारीख को आप YouTube पे जाके सर्च कीजिएगा, मार्तोलिया जी का जो है इंटरव्यू आ चुका है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तीन वैकेंसी, जो कि सबसे बड़ी जिसमें वीडियो वीपीडियो वाली है, वीडियो वीपीडियो वाला जो एग्ज़ाम है, प्लस वन दरोगा और जो सचिवालय सुरक्षाकर्मी वाला है, ये तीनों ही एग्ज़ाम आपके मार्च सेकेंड वीक के बाद और अप्रैल सेकेंड वीक से पहले हो जाएंगे। आप जाके चेक कर लीजिए, न्यूज़ चैनल पर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, हमने भी इसका एक शॉट डाला है। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहो कि पेपर होगा कि नहीं होगा। देखो, पेपर होगा, वही उसका लास्ट ऑप्शन है। अन्यथा अगर ये पेपर नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि ये भर्ती बहुत लंबी चली जाएगी, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन जिस तरह से आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट ये किया है कि भाई पेपर जो है वो जल्दी से जल्दी कराएंगे, ताकि जो बहुत बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं वो उनका टाइम और ख़राब ना हो। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और ये आपका एप्लीकेशन है। इसी के लिए हमने जो बैच शुरू किया था, उसमें अभी हमारा 30% ऑफ चल रहा है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा अभी इसके बाद। तो डेट को लेकर कन्फ्यूजन में आप ना रहें, पेपर जो है ये होना ही होना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा बैच कल से शुरू हो रहा है उसके विषय में। मॉर्निंग 6:30 से 7:30 एक क्लास चलेगी, रात को 9 से 10 दूसरी क्लास चलेगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री योगेश सर करवाएंगे, बायोलॉजी एनवायरनमेंट मैं करवाऊंगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर का जो बेसिक सा पार्ट है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। और एक बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबका जो हमें सपोर्ट मिला है। तो लाइव क्लास का जो शेड्यूल है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो लाइव क्लास जो है आपकी जो है मॉर्निंग 6:30 से 7:30 बता चुका हूँ आपको, और शाम को जो चलेगी 9 से 10 चलेगी। इस बैच के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के अभ्यर्थी जो हैं जुड़ सकते हैं, प्रॉपर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे 60 से 65 दिन या 70 दिन आपके पास बच रहे हैं, तो आराम से हम आपका जो है कोर्स भी पूरा करवा देंगे। तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी लाइव, सैटरडे को लाइव टेस्ट मिलेगा, डाउट सेशन, संडे को रिविज़न के लिए छोड़ेंगे, और कभी एक्स्ट्रा क्लास की अगर आवश्यकता हुई तो वो आपको दे देंगे। जो बच्चे ये बैच लेना चाह रहे हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाएं और एनएन क्लासेस जो है सर्च कीजिएगा, एनएन क्लासेस, आपको वहाँ पर एप्लीकेशन हमारा मिल जाएगा, उसको आप इंस्टॉल करके वहाँ पर आपको कोर्स आपका शो हो जाएगा। शुरू के जो 100 बच्चे हैं उनके लिए कोर्स का जो चार्ज होगा वो 1000 रुपये होगा। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इसमें शायद 18 या 16 के आसपास जो है सीटें ही बच रही हैं, बाकी इसमें बच्चे जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उन सभी बच्चों को एक बार धन्यवाद कि आप सब लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। निश्चिंत रहो, जिस जो आपने ट्रस्ट हम पे दिखाया, हम भी आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो लाइव आपका एप्लीकेशन पे चलेगा। बैच कंटेंट क्या होगा, लाइव क्लासेस में लेंगे, प्लस जो लाइव नहीं देख पाएगा रिकॉर्डेड भी देख सकता है। लाइव टेस्ट होंगे, रिकॉर्डेड सेशन में आपको बता चुका हूँ टेस्ट इसका होगा। बाकी इसमें एडवांस बायोलॉजी डली हुई है ऑलरेडी, एडवांस बायोलॉजी का मतलब जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट, तो इनको आप जितना जल्दी हो सकता है कर लीजिए। अगर बाहर भी पेपर जाता है, क्वेश्चन कोई भी थोड़ा सा अगर टफ भी बनता है, तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। PDF और PPT के माध्यम से नोट्स मिल जाएगा आपको। प्लस देखो, नोट्स पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप क्लास पे फोकस कीजिएगा, क्लास के साथ जो है बैठ जाइएगा, अपना एक प्रॉपर रजिस्टर लेके जो जो सर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहेंगे नोट्स करते रहना। एट द एंड जब आपका जो फिजिक्स कंप्लीट होगा तो आपके पास एक की नोट्स बना होगा जो रिविज़न में आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें टेस्ट भी होंगे। बाकी ये फीस का मैंने आपको बता दिया है, 18 से 20 इसमें सीटें बच रही हैं, तुरंत जाके ले लीजिए, उसके बाद जो है फीस होने वाली है 1399, ठीक है। तो
तुरंत आप इसको परचेस कर लीजिएगा, इनरोल कर लीजिए। और आप यकीन मानिए, आप मेहनत तो कीजिए, आपको सब चीज़ें इसमें अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए फीस इतनी कम रखिए कि आप पढ़ो और जो है अच्छे से करके जाओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें हमारे लिए भी अच्छी बात यह है कि हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो निश्चिंत तो होकर आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत से जो बच्चे हैं उनके वो जो है कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनका जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से सो हो रहा है, फिर उन्होंने हमें मैसेज किया कि आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर तो कुछ सो ही नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने एज अ पेरेंट आपने जो है लॉग इन कर दिया है। आपको क्या करना है, ये तीन डॉट पर टिक कीजिएगा, सेटिंग में जाके साइन आउट करने के बाद जो है दूसरे नंबर से लॉगिन करना, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना। प्रॉपर कोर्स आपको वहाँ पर शो होगा, 100% आपको कोर्स शो होगा वहाँ पे। निश्चिंत होके जाएँ, परचेस करें, तुरंत जो है कल से इसमें जो है क्लासें आपकी शुरू हो जाएंगी और सब चीज़ें आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। सिलेबस हिंदी में, सिलेबस सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। और ये भी एक एरर आ रहा है, स्टोर इज़ नॉट अवेलेबल ऑन योर अकाउंट। तो ये भी रीज़न वही है ना, आपने एज अ पेरेंट जो है लॉगिन किया है, एज अ स्टूडेंट आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी बैच की बात और जो है क्या एरर आ रहा है, इसके अलावा कोई एरर नहीं है क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, जो तैयारी करना चाह रहे हैं और हम भी बहुत खुश हैं उनको तैयारी कराने में, ठीक है। बाकी देखो, पेपर ने तो होना ही होना है, इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग टू भी अगर किसी पेपर में 10% से अधिक की अगर नकल होती है तो पेपर 100% री एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम में तो आयोग के अनुसार 150 से अधिक लोगों ने चीटिंग किया है, तो आप समझ लीजिए पेपर का क्या होना है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ें और अपनी तैयारी करें। और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हाँ हम लोग जो है कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पेपर कैंसिल हो रहा है उसमें हमारे 25 बच्चे हैं, ठीक है। जो हमारे जो टॉपर बच्चे भी उसमें हैं, उनको हम पर्सनली जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम खुद इस सपोर्ट में थे कि आप जो है सेग्रीगेट करके, मतलब इनको ज्वाइनिंग दे दो बच्चों को, ठीक है। लेकिन आयोग की तरफ से सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है और एक एग्ज़ाम में नहीं, सब में ही ये समस्या है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि लाइव है ना, लाइव मतलब ये जो है आपका जो एग्ज़ाम था वो तो आपका ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन में तो समस्या नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, कोर्ट ये सब चीज़ें नहीं देखती है, कोर्ट में सबूत चाहिए। अब जो बच्चा चीटिंग किया वहाँ पे, उस लैब वाले ने या फिर जो जहाँ पे भी चीटिंग हुई उन्होंने पूरा जो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज था, जो चीज़ें थी वो सब हटा दी हैं। आप कहाँ से लाओगे? आपका जो केस है वो कमज़ोर हो जाएगा और वैसे ही हार जाएंगे। और 2016 में जो फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था वही आपको फिर आयोग को सुननी पड़ेगी और उनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप, आयोग ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सोच समझ के लिया है और उसमें एग्ज़ाम ही होगा, तो निश्चिंत रहो। बाकी मुझे ये भी उम्मीद है कि जो बच्चे मेहनत से उस टाइम पास हुए तो आप अब तो 100% पास होंगे। आप UKPSC के पेपर देखें ना, कितने बढ़िया पेपर आ रहे हैं पारदर्शिता से, उसमें सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं और अच्छे पेपर आ रहे हैं। और निश्चिंत रहो, जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसका सिलेक्शन होगा, गारंटी है इस चीज़ की गारंटी, उसका सिलेक्शन होना ही होना है। जो बच्चा पढ़ेगा उसे खुद पता है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, होगा पक्का, ठीक है। बाकी आप अगर बातों में लगे रहोगे, इधर उधर की बातों में कि पेपर होगा नहीं होगा, तो टाइम तो निकल जाएगा। जनवरी देखो, 10 तारीख अभी कल हो जाएगी, जनवरी पता नहीं लगेगा कब गया, फरवरी ये भी नहीं पता लगेगा, है ना। तुरंत जो है डेट आएगी, फिर आप दौड़ोगे कि अब तैयारी करनी, तो वैसे में सिलेक्शन नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए, मैंने जो आपको बताना था वो बता दिया, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जिसको तैयारी करनी होगी वो कर सकता है। जा प्ले स्टोर पे जाकर आप जो है NN क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स में इनरोल हो जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। जो निर्णय है वो निर्णय है, पेपर उसमें होना ही होना है। कोर्ट में जाके भी कोर्ट उसको कैंसिल ही कर देगा, ऑलरेडी जो है कोर्ट में है वो मामला, ठीक है। नहीं तो हम लोग पहले यही, हम लोग भी खुद गए थे स्पेशली आयोग इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो आप ये ना समझे कि हम ये चाह रहे हैं कि हाँ हम तैयारी करवाएं, एक ही चीज़ को दोबारा शुरू करना हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, आप ही आपके लिए समस्या नहीं है, हमारे लिए भी है, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑलरेडी लैब असिस्टेंट वाले बच्चे पढ़ रहे थे, तो चलिए ये खैर बात की बात है। आप तैयारी आपको करनी है तो जो है आप डाउनलोड कीजिए और इनरोल हो जाइए। बाकी उन सब बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। निश्चिंत रहो, कल से जो है प्रॉपर आपकी क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। और यकीन मानो, नॉलेज जो होता है ना, आप बढ़िया से 9वीं 10वीं करके देखो, 11th 12th भी आप कर चुके हैं हमारे साथ पहले, आप करके देखो, आपको लगेगा पहले से स्कूल में पहुंच गया, मतलब जैसे स्कूल में तैयारी होती बिल्कुल उसी तरह की तैयारी आपकी करा दी जाएगी। तो चलिए,
जो है अब थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो डिस्कस सबसे पहले टॉपिक हम यहाँ पर जो सिलेबस डिस्कस करेंगे बायो वाले पार्ट का करेंगे, ठीक है। तो बायो वाले पार्ट में सबसे पहले जो है फूड वाला जो है टॉपिक दे रखा है यहाँ पे, भोजन वाला। तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर के अंदर आता है, ठीक है। ये एग्रीकल्चर के अंदर आता है, बेसिक एग्रीकल्चर है ये। इसके अंदर जो है आपकी मतलब जैसे प्लांट ब्रीडिंग होती है उसके बारे में पढ़ना होता है। मतलब जैसे होता है ना कलम लगाना, जो बडिंग कहते हैं, जिसे कलम लगाना कहते हैं कि भाई कलम के द्वारा कौन सा प्लांट उगता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं जो किस में होती है वो इसके अंदर आएगा। साथ ही साथ फर्टिलाइजर उर्वरक का उपयोग आएगा, खादों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, सब करवा रखा है हमने। देखो जैसे आप इनरोल करोगे ना बैच में तो वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस डली हुई हैं, जैसे जूलॉजी की, बॉटनी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर। सबसे पहले आपको एक काम करना है, अगर इस एग्जाम में आगे निकलना है आपको, उन क्लासों को जितना जल्दी हो सकता है कर लो, 20 से 25 दिन में उनको कंप्लीट कर लो। इधर से आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री चलती रहेगी, देन मैं आपके लिए बायो और इन्वायरमेंट साथ साथ में लेके आऊँगा लाइव में, और आप ये समझिए आपका नॉलेज पॉलिश्ड हो जाएगा, ठीक है, पॉलिश्ड हो जाएगा। मेहनत करो, बाकी सब जो है मेहनत के बल पे बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। बाकी आपने मेहनत की तो आपको आपके कर्म का फल भी मिलेगा, ये आप समझ लीजिए, कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप करो कर्म, ठीक है, और ऐसा कर्म करो सोचो मत कि यहाँ क्या होना है क्या नहीं होना, मेहनत करो ना। और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं यही बोल रहा हूँ वन दरोगा के लिए करो, हमारे बहुत बच्चे हैं वो ग्रुप सी में वीडियो वीपीडियो और इन सब की तैयारी कर रहे हैं। हम खुद बोल रहे हैं भाई अगर आपको लग रहा है उस तरफ आप ज़्यादा अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकते हो तो एक ही जगह फोकस करो, जो भी एग्ज़ाम आपका एक है उस पर ही फोकस करो, 100% सफल हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि हाँ वन दरोगा ही करो। आपका अगर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है 22 तारीख का, साइंस को मत पढ़ो, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रही साइंस मत पढ़ो अभी, आप उसी एग्ज़ाम को फोकस करो, 100% सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रोटेक्शन फॉर पेस्ट एंड डिजीज़, मतलब इसमें पेस्ट और पेस्टिसाइड्स पढ़ेंगे। डिजीज़ मतलब जो रोग हैं प्लांट में, जो रोग हो जाती है, जैसे आता है ना मूंगफली का टिक्का रोग या इस तरह का, जो आपका केले में पनामा रोग, तो इस तरह की चीज़ें जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैव खेती इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद जो है ये फिजिक्स वाला टॉपिक है, सर करवा चुके हैं, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं चैनल में। नेक्स्ट है फिर बायोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब हम प्लांट और जीवों में विविधता, कहने का सीधी सी बात है, हम यहाँ पर एनिमल्स का क्लासिफिकेशन जिसके अंदर कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स आता है, और प्लांट का क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया पढ़ लेंगे, और थैलोफाइट्स इसके अंदर एल्गी आती है मतलब सेवाल आता है, इसको पढ़ लेंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ लेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ लेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ लेंगे। कहने का मतलब है इसके अंदर हम बेसिक सी चीज़ें पढ़ लेंगे इनके बारे में, ठीक है, जो कि आती ही आती हैं। नेक्स्ट है मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, साइलेंट फीचर्स, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, जो मैंने आपको बताया। कहने का मतलब है नॉर्मली में पढ़ना है उभयचर में कौन आता है, मछली किसके अंदर आती है, ह्यूमन किसके अंदर आता है, या फिर स्टार फिश किसके अंदर आती है, क्या स्टार फिश फिश है या नहीं है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपका आ जाएगा। इसके बाद है सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कहने का मतलब है साइटोलॉजी पढ़ेंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, कोशिका के जितने भी अंग होते हैं सब पढ़ लेंगे, कोशिका होती क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक किस तरह की होती है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सब इसके अंदर आ जाएगा आपका, सारे उसके टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है टिश्यू, ऑर्गेन्स, ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। आप जानते हो एक सेल होती है, सेल बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं, और ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं, बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं। पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा इसके अंदर टिश्यू का, टिश्यू एनिमल टिश्यू भी और प्लांट टिश्यू भी दोनों पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो लोग तो मेरे से बायोलॉजी पढ़ चुके हैं उनको पता है हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, और उन लोगों का बहुत प्यार मिला है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छे से पढ़ाने की, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट दोनों तरह के टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा होगा ना, जाइलम पढ़ा होगा, फ्लोएम पढ़ा होगा, और फिर अपने एनिमल में जितने भी टिश्यू होते हैं सब इसके अंदर पढ़ेंगे। देन है हेल्थ एंड डिजीज़, यानी जो भी आपके संक्रमण वाले जो रोग हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि असंक्रमण वाले, यानी जो फैलते नहीं, उन सब डिजीज़ को इसमें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से होने वाले जो है रोग, उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, और पल्स पोलियो प्रोग्राम सब इसके अंदर आएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये टॉपिक ऑलरेडी कोर्स में डले हुए हैं, क्योंकि हमने वन दरोगा की पहले तैयारी करवाई थी, 9th 10th में ये प्रॉपर टॉपिक डले हुए हैं। आप जाओ इन्वायरमेंट की 9 आप जो क्लासे पढ़ो, उसके बाद कोई भी पेपर उठाना आप, आपको अगर क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स वाला पार्ट सर करवा चुके हैं, है ना, आप वीडियो देख लीजिएगा।
इसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो है एयर, वाटर, सॉयल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है एयर रिस्पिरेशन के लिए पढ़ेंगे, मतलब श्वसन के लिए पढ़ेंगे, दहन के लिए पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपका यह मूवमेंट ऑफ एयर मतलब वायु की गति पढ़ेंगे। साथ ही साथ कि आप जानते हो अल नीनो और ला नीना है ना, शायद इस तरह का क्वेश्चन पिछले बार भी आया था, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस है वो। दरअसल आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो इसके अंदर ही है। अगर देखोगे ना आप 9th-10th की बुक इन्वायरमेंट वाला टॉपिक, वहाँ दे रखा अल नीनो और ला नीना के बारे में। अल नीनो ला नीना, ला नीना हमारे इंडियन जो हमारा जो भारत देश है यहाँ पर बारिश कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। ला नीना, अल नीनो से हमें नुकसान होता है, ला नीना से हमें फ़ायदा होता है। मतलब जब ला नीना स्ट्रॉन्ग होगी जिस ईयर, उस साल जो है मानसून जल्दी आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ बहुत वर्षा भी करेगा, और इंडिया में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होगी जो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हो इंडिया को कहते हैं मानसून का जुआ। ठीक है, मानसून का क्या कहते हैं, जुआ कहते हैं यहाँ की एग्रीकल्चर को। ठीक है, देन एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन पढ़ेंगे, और ओजोन लेयर में जो आपका छेद हो रहा है, होल हो रहा है, जो उसमें आपका क्षरण उसमें हो रहा है, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद वाटर साइकिल, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन साइकिल। तो देखो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, निश्चिंत रहो, सब इसमें करवा रखे हैं हमने एक एक बार, आप उसमें जाओ एक बार देख लो। उसके बाद जब मैं लाइव आपको समझाऊंगा ना तो चीज़ें आपकी पॉलिश्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद ये है केमिस्ट्री, सर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बता रखा है उन्होंने कल का। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ लिविंग, तो इसके अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स हैं, और रेसे फाइबर्स जिन्हें कहते हैं, और वाटर, मिनरल्स, सब इसके अंदर आ जाएगा। श्वसन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आता है इसके अंदर। ठीक है, एक्सक्रीशन आ जाएगा, एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, यानी उत्सर्जन पौधों में और जीवों में कैसे होता है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ये ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट एंड इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन, मेनली इसके अंदर प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, साथ ही साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये इजी है। इसके अंदर जो है रिफ्लेक्स एक्शन का आता है। रिफ्लेक्स एक्शन का मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ। माना आप खाना बना रहे हो, है ना, गरम गरम कुकर जो है आपके गैस के ऊपर है, और आपका हाथ लग जाता है उस पर, कोहनी लग जाती है, तो आपका जो है दिमाग वो रिफ्लेक्स, आप जो है तुरंत अपना हाथ हटा लोगे, जबकि ये मैसेज दिमाग ने नहीं दिया है, ये देता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके पास इसका कंट्रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसकी स्पीड होती है दिमाग से भी तेज, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आपने देखा पैर के नीचे कांटा आ गया, पैर आपका तुरंत ऊपर उठ गया, आपको तब पता लगा रहे कांटा आया, पैर पहले से कैसे उठ गया, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे हम, एनिमल हार्मोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेनली जो इसके अंदर नर्वस सिस्टम, एनिमल हार्मोन जो है ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल, ए सेक्सुअल, दोनों ही पढ़ेंगे इसके अंदर। फैमिली प्लानिंग करवा रखी है, HIV एड्स के बारे में होगा, और ह्यूमन वुमेंस हेल्थ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सब टॉपिक हमने वैसे ऑलरेडी करवा रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना कोर्स इनरोल करो, उसमें जो बायो पढ़ी है ना उसका टारगेट कर दो, अगले 20-22 दिन पूरा कर लोगे, यकीन मानो आप और बच्चों से 30% लीड में चलोगे। पुराने बच्चे जो है ना वो लगे हैं इसी काम में, जो सीरियस वाला कैंडिडेट होगा कि भाई तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है और उस बच्चे को पता है कि कहाँ कहाँ पे वो क्वेश्चन आ रहे हैं। पटवारी में जो कल साइंस के क्वेश्चन आए थे सारे के सारे हमारे नोट्स से आ रखे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन जो नो स्फीयर वाला है ना वो थोड़ा सा डीप था, बाकी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा, आप चेक करके देखिएगा। ये आपका फिजिक्स वाला पार्ट है, सर करवाएंगे। हाँ, देन नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो है आपका फॉरेस्ट आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ आ जाएगी, और इसके अंदर वाइल्ड लाइफ के अंदर आ जाएगा भाई नेशनल पार्क आ जाएंगे, आपके रामसर साइट्स आ जाएंगे, जैसे पिछले बार आई थी, तो वो इसके अंदर आएगा। कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम कंजर्वेशन। देन इसके बाद जो है ये टॉपिक इसी के अंदर हो जाएगा कवर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन बिग डैम्स, मतलब बड़े बांधों के जो एडवांटेज हैं और लिमिटेशन क्या है उनकी, वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण, वो इसके अंदर आ जाएगा। और नेचुरल रिसोर्सेज को सतत करना है ना, उनमें सततता लाना, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कहने का मतलब है रिन्यूएबल जो अक्षय ऊर्जा होती है, नॉन रिन्यूएबल जिसे हम एक बार यूज कर रहे हैं और दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला, जैसे पेट्रोलियम, और आपकी अक्षय ऊर्जा कौन सी होती है, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, जैसे आपकी जो समुद्र से टाइडल एनर्जी निकलती है, देन जैसे बायोगैस वाली एनर्जी हो गई, तो ये सब आपकी रिन्यूएबल के अंदर आ जाती है। तो फॉसिल्स देख लेंगे, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है,
सब ऑलरेडी करवा रखा है हमने, अवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, सब चीज़ें इसके अंदर हमने ऑलरेडी करवा के डाल रखी है। जाके इनरोल करो, देखो, बाकी मैं आपको लाइव में इसको ऊपर से इसका रिविज़न कराऊँगा। यकीन मानिए अच्छे से तैयारी करोगे तो ये इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं, तुरंत हो जाएगा, बस विश्वास करो। दूसरी चीज़, पेपर ने होना ही होना है, ये पेपर होएगा, आप इसके साथ और पेपर भी, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो आप पूरी मेहनत से लग जाओ, जिस भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी करो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फोकस उसी पे करो और तैयारी करना शुरू कर दो, इधर उधर मत देखो। अगले 3 से 4 महीने ऐसे इसमें जम जाओ, जब भी ये पेपर होगा आपका सिलेक्शन 100% होगा, यही उद्देश्य हमने रखा है। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमने 25 सिलेक्शन किए हैं ना लास्ट टाइम, इस टाइम हम 316 में से मैक्सिमम यहाँ पे सिलेक्शन करके दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा मैक्सिमम सिलेक्शन, ठीक है। मैं आज ये चीज़ बोल रहा हूँ, पेपर जब भी होगा तब हम देख लेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत होके अपनी तैयारी में लग जाओ, काम आपका जो है ओनली पढ़ना है, पेपर पे ध्यान दो, जो भी पेपर है आपका, अगर फॉरेस्ट गार्ड भी है तो टोटल उसी को तैयारी में लग जाओ, ठीक है। इधर उधर मत देखो दूसरे, और बहुत से बच्चे जो हैं दो दो पेपर को साथ में लेके चल रहे, दो पेपर साथ में लेके मत चलना भाई, निकलोगे नहीं, ठीक है, निकलोगे नहीं, नहीं हो पाएगा। एक ही जगह करो फोकस, ठीक है, या तो फॉरेस्ट गार्ड ही बन लो, या फिर उसी के लिए कर लो, या फिर साइंस वाला ही दे दो। साइंस के बहुत एग्जाम होने वाले, लैब असिस्टेंट होने वाला है अभी, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वंदर होगा, जहाँ भी जाना है तो एक ही के पीछे पढ़ना, 100% सफलता मिल जाएगी, ठीक है, ऐसा हमारा मानना भी और ऐसा होगा भी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है लेकिन सारी काम की बात की है, ठीक है। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है आप सभी का स्वागत है, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया। तो मैं और योगेश सर, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी कल से और हम पूरी मेहनत के साथ आपकी तैयारी करवाएंगे, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं इस बैच में, जाके प्ले स्टोर में हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इनरोल करो बैच में, कल से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, सिलेबस दोनों ही डिस्कस हो गए हैं, अब कल जो है बेसिक सिलेबस सर आपको एक बार फिर से क्लास के अंदर बता देंगे, देन आपकी क्लासेज जो हैं शुरू हो जाएंगी प्रॉपर कल से। तो चलिए, आज के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।